डॉक्टर साहब, ये हमारी गाय छे, ये गोबर में डेंडोड़ा निकले रहा, तो एक लेना कहीं दवाई गोली तुम्हारे पास हो तो दे दियो। जी, ये गाय अपनी जंगल में चरने जाए। हाँ, चरने जाए तो वहाँ गड्ढा में पानी रोके लो रहे। हाँ, वो सड़ेल गड़ेल पानी पिए। हाँ, पानी पीने की वजह से एक पेट में जंतु पड़ी है वर्म। हाँ, है नी, तो ओका लिए हमारे पास अपने डिवर्मिंग गोली नहीं छे ना। हाँ, जो गोली खाड़ांगा तो वर्म मरी आएगा। हाँ, आपको मुकेश ने जो जानकारी दी है। हाँ, वो सही जानकारी बताई है। आपकी गाय के पेट में डिंडोला पड़ गए हैं। हाँ, तो उसके लिए कृमिनाशक की मैं गोली दवाई लेके आया हूँ गोली। तो उसको क्या है कि हम रोटी बुलवाते हैं, अभी आप रोटी लेके आना, मैं उसको खिलवाता हूँ। इसके साथ साथ में हर 3 महीने में अपन को गाय को कृमिनाशक की गोली खिलाना है, भले उसके पेट में डिंडोले पड़े हों नहीं पड़े हों। हाँ, आप रोटी बुलवाइए, मैं उसको गोली को खिलाता हूँ। ला जाए रोटी लाई का, अपन गाय का गोली दे ही रहा है आज। ले सर ये रोटी। ठीक है। हाँ मुकेश, कृमिनाशक की गोली निकालो बैग में से। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी तो ये डेंडोड़ा पड़ेला था, तो अभी हमने खिलाई थी रोटी के साथ में गोली, पर नहीं पड़ने पर भी 3 महीना में खिलाने जरूरी छे काई। हाँ डॉक्टर साहब, अभी तो तुम आएगा ना गोली दे दी, पर कभी तुम नहीं आओगा तो फिर हमको ये दवा गोली ना कहाँ से मिलेगा 3 महीना में। जी, अभी 5 साल तक तो हम हमारी परियोजना का द्वारा तुमको दे सकेंगे गोली ना, है नी। हाँ डॉक्टर, और 5 साल के बाद फिर तुमको मोल लेन खोलना पड़ेगा। क्यों डॉक्टर साहब, हमारी भैंस दूध बहुत कम दे रही है, को का इलाज करना। जी जी, आपके यहाँ भैंस दूध कम दे रही है। हाँ, कम दे रही सर। उसके लिए हमारे पास पाउडर है। हाँ, दूध बढ़ाने का। हाँ, है ना, तो उस पाउडर को आप सुबह शाम 50-50 ग्राम खिलाना है। हाँ, अपने क्या बोलते पशु आहार है, दन्ना है, पकास की जो कपास से आके जो खली होती है ना। हाँ, उसको। हाँ, गला करके। हाँ, या पका के उसके साथ में सुबह शाम 50-50 ग्राम खिलाना है। हाँ, और जब तक परियोजना की तरफ से मिलेगा तब तक हम आपको निशुल्क देंगे। हाँ, जी जी, अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया है ना तुमको मिनरल मिक्सचर के बारे में। हाँ, तो ये जानवर दूध तो बढ़ाएगा भैंसी को तुम्हारे, है ना। ओका बाद में कैसे जो गाभन भैंसी छे या गाभन गाय छे वो को भी देवांगा पण, तो ओका से भी फायदा होगा ओका भी, क्योंकि बच्चों जब होएगा तो बच्चों हष्ट पुष्ट होएगा। डॉक्टर साहब, हमारे गाय भैंस न छे तो इनका बारिश में खुर सड़ी जाए, पाई में सूजन आई जाए, गला में गठान न बनी जाए, न जैसे लाल आई जाए, तो एक लेना का ही करना छे हमको। जी जी, अपन जैसे बालक का टीका लगा रहे हैं। हाँ, है नी, पोलियो को टीको लगा रहे हैं। हाँ, वो काशी बच्चों पोलियो मरे हो तो। हाँ, तो असो ये जानवर ने कभी एक टीको लगाई। हाँ, जो एक मतलब लाल की बीमारी को कवर करे, गला सूजन की, फटिया की बीमारी पर वो अच्छो काम करे, वो को एक टीको हर साल लगा तो रहना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब, इनको ढोर भैंस को कभी अपन टीका लगाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, आंगनवाड़ी में जाके लगवाएंगे? नहीं नहीं जी जी, आंगनवाड़ियों में तो बच्चों के टीके लगती हैं, लेकिन हाँ पशुओं की टीके लगाने के लिए आपको हमें फोन लगाना है, हम लोग आपके घर पे आकर के पशुओं को टीके लगा देंगे। ये कह रेज को खवारता रहा जो है ना। हाँ, रेजगा से एक दूध भी बढ़ेगा। हाँ, अच्छी हेल्थी रहेगा भैया गाय। हाँ, डॉक्टर साहब तुमने बताया कि रजगो खवाड़ो, रजगा से अच्छो दूध बढ़े, तो हम रजगो कहाँ से लावांगन खवाड़ांगा, बीज कहाँ से लावांगा, बीज ही नहीं हमको। जी ये रजगा को बीज हमारे परियोजना में भी आयल छे। हाँ, जो परियोजना से हम तुमको दे देंगे। हाँ डॉक्टर साहब, दे दीजिए बीज तो हम खेत में वाई देवांगन, हमारी गाय का लेन लायांग काटिन खवाड़ांगा। डॉक्टर साहब तुमने जानकारी दी ना हमको अच्छी अच्छी, तो आप धन्यवाद। हाँ ठीक है दीदी, ये पाउडर लेके जाओ और ये खिलाना गाय को, है ना। ठीक है, राम 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 राम।